किलो जलते में हुए रोशन हम जीवन में बन मंगल में कण कण में क्यों ढूंढ रहे तुझे बन में माझी पी हो तुम सुख मन में क्यों ढूंढ रहे तुझे बन में तारस नैनन से जैसे परखा भर सावन में तारस नैनन से जैसे परखा भर सावन में ये वो मोती अश्रुओं के गर्भपात बने हम इनके बन वृक्ष खड़े मधुबन में क्यों ढूंढ रहे तुझे बन में माशी पी हो तुम सुख मन में क्यों ढूंढ रहे तुझे बन कण कण में क्यों ढूंढ रहे
छिपी हो तुम तो घूमने क्यों ढूंढ रहे तुझे क्रांति। हम लोग पहले चिंपांजी थे, कोई कहते कि मछलियां थे और कोई कहते हैं कि सांप थे। पता नहीं किस योनि से कौन इंसान चलाया, वो तो भूतकाल की बात हो गई। ये तो हम जानते नहीं कि हम किस योनि से आए हुए। लेकिन किस योनि में जाना है ये जान नहीं। किसी भी योनि से आप आए हैं और आज मनुष्य की योनि में आप बैठे। मनुष्य के रूप में कुछ देवता भी हैं और कुछ राक्षस भी हैं, किंतु जो मनुष्य योनि आपके आज प्राप्त की, इसका लक्ष्य क्या, इसका अर्थ क्या, इसलिए हम मनुष्य हुए। क्या जरूरत थी परमात्मा को हमें मनुष्य बनाने या विधि को हमें मनुष्य बनाने की, और जैसा भी समझे हम मनुष्य क्यों हुए। एक बार हमें नजर करना चाहिए अपनी और, देखना चाहिए कि हम मनुष्य क्यों हुए और हम ही लोग क्यों मनुष्य हुए। दुनिया में इतने सांप हैं वैसे की वैसे, और इतने चिंपैंजी हैं और बंदर हैं, शेर हैं, सब तरह के जानवर विराजमान, फिर हम ही लोग कुछ चुने हुए लोग इंसान क्यों बनते। जब इधर नजर जाती है तो ये सोचना चाहिए कि हम में से जो उत्थान में आ जाए, जो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, जिसमें वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करे, आत्मा को प्राप्त करे, ऐसे भी कुछ ही लोग होंगे। लेकिन ये हमारा उत्थान है। आज दिल्ली शहर में कितने लोग हैं, लेकिन इसकी खोज कितने लोगों को है। तो जिस तरह बहुत से लोग मनुष्य हो गए लेकिन बाकी के उसी स्थिति में रह गए, उसी पशु स्थिति में रह गए, इसी प्रकार ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने पर भी उनसे कहीं कहीं अधिक मानव ही रह जाए। ये बड़ी समस्या है मेरे लिए खास। इस चीज को मैं किसी तरह से भी आत्मसात नहीं कर पाती, और हमेशा यही सोचा कि हर मनुष्य हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी उसका रंग हो, कैसे भी उसके विचार हो, सब इस आत्मा तत्व को प्राप्त करते। इसको प्राप्त करना अत्यावश्यक है, और ये बड़ी भारी आपके सामने आज एक चेतावनी सी है कि कितने लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहते हैं और कितने लोग उस स्थान पे पहुंच सकते हैं जिसका वर्णन अनेक साधु संतों ने अवतरणों ने किया होगा। अगर ऐसा समय आज आ गया है, ये
ऐसी घड़ी आ गई है। इस घड़ी में क्या हमें इसे चूकना चाहिए? जब इसकी शक्ति कुंडलिनी हमारे अंदर सक्रिय है और जिसके जागरण मात्र से ही आप इस दशा में पहुंच सकते हैं और तत्क्षण उसी क्षण आप पहुंच सकते हैं। आप सोचिए कि बंदर से इंसान होने में जाने हजारों वर्ष लगते हैं, हजारों वर्ष में ये घटना घटित होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़े से ही समय में कितने लोग सहजों में अनायास उतर है। सहज कमाल है, ये परमात्मा की कृपा, परम चैतन्य आज कृत हो गया है। और कहा जाता है कि अब कृत योग चला हुआ है, कृत युग है, कल युग खत्म हो रहा है, सत्य युग की ओर हम जा रहे हैं। बीच में ये कृत युग कार्यान्वित है जबकि ये परम चैतन्य स्वयं ही कार्यान्वित है, और इसलिए हजारों लोग सहज में, आश्चर्य की बात, हजारों हठात पार हो जाते हैं। खासकर अपना देश, जिसे कि मैं योग भूमि कहती हूं, एक महान देश, इस देश में जन्म लेना भी एक महान पुण्य से ही। शायद आप इसे मानेंगे नहीं, क्योंकि उसी तरह से देखिए तो ऐसा लगता है कि ये देश वाले सबसे गया दिखा। इसके कण कण में चैतन्य कार्यान्वित है। जिस भूमि पर आप बैठे हैं ये भूमि अत्यंत पवित्र भूमि, ये सब होते हुए भी आश्चर्य की बात है, जबकि फिर संत साधुओं ने हजारों वर्ष तक इस योग भूमि में मेहनत की और यही कहा कि तुम अपने को जानो, अगर तुमने अपने को जाना नहीं तो आपने कुछ पाया नहीं, अपने को ही जानना। कहीं पर किसी भी गुरु ने कोई बात की हो तो यही कहा कि आप अपने को जानो। हाँ, उन गुरुओं की बात छोड़िए जो बेकार के लोग हैं, लेकिन जो असल है उपदेश वो यही कि आप अपने को जानिए। इसका विश्लेषण इस तरह से सोचिए, आज ही हम बता रहे थे कि आप अपने को अगर शीशे में देखें तो आप हैं और आपका प्रतिबिंब है, और आप जो देखने वाले हैं और जो दृश्य है, इसकी जो क्रिया है, ये तीसरी स्थिति है। इन तीन दायरों में, तीन डायमेंशन में हम लोग रहते हैं और ये तीनों डायमेंशन में घूमते रहते हैं। या तो हम देख रहे हैं और देखने की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन जब आप खुद ही शीशा हो जाए, आप ही स्वयं के शीशा हो जाए, आपका स्वयं ही प्रतिबिंब आप ही के अंदर दिखाई दे, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब आपने अपने प्रतिबिंब को देखा तो आपने अपने को जान लिया। अभी तक आप अपने को कुछ जानते नहीं, कहने को है मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा मेरा, पर ये मैं कौन, मैं कौन हूं, इसे आपने जाना है। जिस दिन आप इसे जान रहे तो एकदम ही इतना परिवर्तन आ जाता है, इतना परिवर्तन आ जाता है
कि देखते ही बनता है। यहाँ बहुत से विदेशी लोग बैठे हुए हैं, इसमें से कम 20% लोग जो थे उनपे ड्रग का अधिकार बुरी तरह। और एक दिन पार हुए और दूसरे दिन छोड़ के तैयार। आज मैं निजामुद्दीन साहब के मकबरे पे गई थी, वहां बहुत से मुसलमान थे, तो मैंने पूछा वहां कभी तुम्हें से कौन शराब नहीं पीता, सबने चुप्पी लगा ली। कहने को मुसलमान है शराब सबकी। वजह क्या? वजह ये कि आप ये अपने को जाना नहीं कि आप जो हैं वो परमात्मा का एक प्रतिबिंब है। और जिस दिन ये हो जाता है, बड़े मशहूर शराबी मैंने देखे दूसरे दिन से पता नहीं कैसे एकदम बदल जाते हैं। क्योंकि मैं क्या हूं, मेरे बारे में मुझे कुछ कल्पना नहीं है, मुझे अपने प्रति कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं है, क्योंकि मैं कितना गौरवपूर्ण हूं, मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं, परमात्मा ने मुझे कितनी सुंदरता से संजो कर बनाया है, इस बात का जब आपने को पता ही नहीं है तो उसकी हम कदर ही नहीं करते। इस मनुष्य जीवन की हमें कदर ही नहीं है कि इसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। हमने अपने को जाना ही नहीं। जब आप अपने को जानिएगा तो एक अजीब अंदर की शान आपके सामने आएगी। ऐसे शानदार लोग गलत काम नहीं करते, उनको बताना नहीं पड़ता, तो समझाने की कोई जरूरत ही नहीं, अपने आप ही अपनी शान में खड़े हो जाते। और फिर उनके सामने छोटी छिछली उथली बातें नगण्य है, उसे वो देखते भी नहीं, उस और उनकी नजर भी नहीं जाती, और उन्हें इन सब चीजों से घिन से आने लगते हैं। घिनौनी हो जाती है जो चीजें जिसमें वो एक बार पूरी तरह से डूब रहा है। ये कमाल है, क्योंकि हम अपने को जानते नहीं, अपने से अनभिज्ञ हैं। जिस सौंदर्य में हम ढले हुए और जिस महात्म से हमें परमात्मा ने रंगाया हुआ है, इसको न जानने के कारण हम अपने को मिट्टी से भी बदतर समझते हैं। और इसीलिए हम अपने शरीर के साथ इतनी छलना करते हैं, अपने मन के साथ इतना बैर करते हैं, और अपने बुद्धि को भी हम ताकते रखते हैं। लेकिन इन सब को जोड़ने वाली शक्ति, इन सब को आह्लादित करने वाली शक्ति, प्रकाशित करने वाली शक्ति हमारे ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई कुंडलिनी है। अब इस कुंडलिनी के बारे में सबने कहा, कबीरदास जी ने कहा, नानक साहब ने कहा, आदि शंकराचार्य ने कहा, बाइबल में भी कहा है, पुराण में हर जगह इस कुंडलिनी का उल्लेख रहा है, और कहीं कहीं काफी विशद रूप से बताया गया। लेकिन लोगों ने इसको समझने की जगह बदलने की कोशिश की, और उस कोशिश में सबसे ज्यादा तो मैं सोचती हूं कि जो बुद्धिस्ट थे जिन्होंने बुद्ध को बुला करके उसका मार्ग अवलंबित किया था, वो तांत्रिक बन गए और उन्होंने बहुत ही गलत तरह की इसको जानना चाहिए, और लोग भटक गए।
इसके लिए आपको उनसे सीखना चाहिए कि जो पहुंचे हुए वो क्या है। फिर ऐसी ऐसी किताबें छापी गई कि पुगलने के जागरण से ये तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है और ये परेशानी हो जाती है। आज तक इतने सालों से सहयोग का कार्य करते हुए हमने तो कहीं नहीं देखा कि किसी को कोई तकलीफ होती हो या परेशानी हो। उल्टे जिसने जिसने सहयोग में अपना स्थान बनाया है वो कहां से कहां पहुंच, कहां से कहां सर्वसाधारण सामान्य मनुष्य जो कि विशेष कोई पढ़ा लिखा नहीं, ब्याह करना या कोई रास्ते पे चलता हुआ सर्वसाधारण व्यक्ति सबके लिए कुंडलिनी का कार्य हो सकता है। उसमें जात पात धर्म कुछ नहीं है। हर तरफ धार्मिक है, आप वाकई में धर्म के मतलब समझे हैं, अपने जीवन में आपने धार्मिकता रखी, आप नेक हैं, तो कुंडलिनी का जागरण और भी आसान है। और नहीं भी हो कैसा भी इंसान है, आश्चर्य की बात यह है कि आज तक जो सहज में आए कोई भी खाली हाथ नहीं। सबसे तो कमाल मुझे रशिया की लगती है, जहां भगवान का नाम लेना भी पहले जमाने में एक गुनाह समझा है। आश्चर्य करेंगे कि एक एक प्रोग्राम में 16,000 से कभी जो कम नहीं है, और हर आदमी जो है वो पारंगत है, तो दोष कहां इस योग भूमि में जहां पर कि इतने बड़े बड़े साधु संत सब। तो यहां पर किस चीज का दोष आ गया है कि रशिया जैसे यहां लोग हमें नहीं मिले। आप धीरे धीरे मिल रहे हैं ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन वहां तो पहुंचते ही साथ हजारों की तादाद में खड़े थे सब, उनमें हमने क्या फर्क है। हम लोग तो इतना जानते हैं धर्म के बारे में और बचपन से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुवारों में, हर समय हम जाते हैं। और ये होते हुए भी लोगों का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता कि हमें आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए। इसकी एक तो वजह मुझे लगती है कि हमने धर्मों को समझा नहीं, धर्म को समझा नहीं, उनके अंदर धर्म है ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है, धर्म नाम की चीज जो होती वो जानते नहीं है कि तो वो धार्मिक है, वो गलत काम नहीं करते, लेकिन वो कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं, वो इंसान, वो इंसान मात्र, और इंसान को किस तरह से रहना चाहिए ये वो जानते। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हिंदू है या मुसलमान है और या हम ईसाई है या सिख है, कोई भी धर्म में है, तो बस हो गया, अब तो परमात्मा हमारे गले में हार पहनाएगा, क्योंकि हम ये हैं। माने जैसे कोई हमने सर्टिफिकेट ले लिया या अपने सर पे लिख लिया भाई ठीक है हम है, जैसे परमात्मा के दरवाजे में जाएंगे तो उनका गाँव में तुम हमारे आते। और एक से पूछो दूसरे के बारे में तो बताएगा कि रे 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 ये इतने खराब लोग, उससे से पूछे तो बताएगा वो इतने खराब। तो पूरी समय यही हम लोग कर रहे हैं, इसकी खराबी निकाल, वो कहे उसकी खराबी निकाल,
और खराबी देखते देखते हम खुद ही खराब हुए चले जा रहे हैं। ये उन लोगों के परमात्मा की कृपा से उनमें ये संभव ही नहीं था, क्योंकि वो सभी रशियन थे मात्र, सब इस इंसान थे। अब उस पर ये भी झगड़े, अगर आप हिंदू हैं तो आप शिव को मानते हैं कि राम को मानते हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप शिया हैं कि सुन्नी हैं, आप सिख हैं तो आप रैदास को मानते हैं कि नानक। इस कदर बेकार के हमारे अंदर न जाने कितने झगड़े और किस कदर हम लोग अलग अलग हो गए, और उसमें ही हम बड़ा समाधान मानते हैं कि वाह 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 हमारे कितने अच्छा थे। अच्छाई होगी लेकिन अंधापन, जो आंख पे अंधापन चढ़ा है कि बाकी सब बुरे और हम बड़े अच्छे, इस अंधेपन से ही हमारे देश में आत्म साक्षात्कार कठिन होता है। जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं आई, अभी तक हमने पाया तो नहीं, अभी हमें मिला नहीं, ये हमें मिलना चाहिए। इसके लिए नम्रता हो कि हमें ये चीज मिलनी चाहिए, ये मन से इच्छा हो, ये शुद्ध इच्छा हो तो क्यों ना हो जाए। लेकिन हम हिंदू हैं हमें क्यों नहीं हो रहा, और हम मुसलमान हैं तो हमें क्यों नहीं हो रहा, नहीं होने वाला। ये आपके सर्टिफिकेट चलते नहीं है भगवान के दरबार। आप कैसे इंसान हैं ये पहली बात, और दूसरी बात यह है कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा आत्म साक्षात्कार की है या नहीं। किसी भी धर्म के आप हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर शुद्ध इच्छा ये होनी चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। अब इन धर्मों के जो संस्थापक थे उन्होंने यही कहा, सबने यही कहा है कि अपने अंदर बसा हुआ जो आत्मा का प्रकाश है उसे प्राप्त करें। ऐसे कौन से धर्म में नहीं कहा गया, सभी धर्म में एक ही बात कही कि आप अपने को जानो, अपने को पहचानो। वो छोड़ करके हम आपसे बढ़िया और वो आपसे बढ़िया ये करने से मैं देखती हूं कि बड़ा अंतर आ गया है हम लोगों में और उन रशियन लोगों में। जो एक बार सहयोगी हो गए तो जम गए, बस कहना नहीं पड़ता, दूसरी बात कहना पड़ती है बात कि जैसे ही सहयोग में आए, आज ही वहां सवेरे हुआ कि भाई ये बीमारियां ठीक हुई। सहयोग से होती है बीमारी ठीक, क्योंकि जो आपकी मूलाधार में बैठी हुई कुंडलिनी है और जब जागरूक होती है तो उससे सारे चक्र साफ हो जाते हैं, और उसके कारण ही आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कैंसर वैंसर बहुत सारी बीमारियां ठीक हो गई, इसमें कोई शक नहीं, ये बात सही। लेकिन जैसे ही ये बात पता होती है तो एक नहीं दस और लोगों को लेकर के आ गए, जो माता जी इनको ठीक कर, इनकी बीमारी ठीक कर, एजेंसी ले लेते भी और हम लोग अपने ऐसा ही है ना। अच्छा तो आपके भाई कमिश्नर है, हाँ चलिए हमारा ये काम करा दी। फौरन दिमाग में ये बात आएगी हिंदुस्तानियों को इनका कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो जितने भी अपने रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं सबसे पहले लिस्ट बन जाएगी, चलो माता जी को लगाओ। हम बात कर रहे हैं कि आप लोग डॉक्टर हो जाए, आप अपने को देखिए, आप पहले डॉक्टर हो जाइए और फिर सबको आप ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन सबको ठीक करके करना क्या है, अरे भाई जिस दीप में प्रकाश आने नहीं वाला उसको ठीक करके करोगे भी क्या,
भगवान जी सोचते हैं कि ये तो बेकार के हैं जी, इनको काहे को ठीक करना। लेकिन आपको ये लगा रहता है कि चलो इनके करा, ये सहयोग से नहीं होता, जिससे आपको किसी प्रकार से भी कोई भी लाभ नहीं होगा। हाँ, दो चार लोग ठीक हो जाएंगे, हो सकता है उससे आपको लोग मानने लग जाए, ये हो जाए वो जाए, पर उससे आपकी प्रगति नहीं हो सकती, आपकी प्रगति नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो हमारे अंदर अनेक कुसंस्कार बने हुए हैं वो जोर मारते हैं, उसे हमें समझ लेना चाहिए। जैसे किसी झूठे गुरु के यहाँ जा रहा है और माना कि वो 420 है, इसी तरह से हाथ घुमा के वो आपको सोने की चीज को देता है, पता हो गया सबने कह दिया कि वो 420, पता हो गया, पेपर में भी आ गया सब भी, तो भी उन्हीं के शरणागत से क्यों भाई, अरे भाई इतने साल से कर रहे हैं अब कैसे छोड़ेंगे। जैसे कोई शराब पीते है ना, उसी तरह लोग गुरु के पीछे लगे रहते। अब समझ में कहा गया कि भाई झूठे गुरु पीछे मत जाओ, तो वहां हम सहज भी कर लेते हैं और गुरु को भी रख लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि एक पैर मगर के मुंह में डालो और एक ना बोट में रखो और कहो कि हमें पार ले जाओ, आपके साथ वो मगर भी चलाए। ये हमारे अंदर दूसरी प्रवृत्ति, जिस चीज को चिपके हुए हैं उसे हम छोड़ लेते, उसको छोड़ना है। यहां तक कि जिस सीढ़ी से आप चल रहे हैं, अगर आपको ऊपर आना है तो आपको उस सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा और ऊपर आना पड़ेगा, जो कि अच्छी सीढ़ी, जैसे धर्मातीत होना चाहिए, धर्म से परे उठना। धर्म से परे उठने का मतलब ये नहीं कि आप धर्म को छोड़ते हैं, पर धर्म आपके अंदर इतना भिन जाता है कि आप अधर्म करते ही नहीं, ऐसा वो अपने अंदर भिन जाता है। आपको याद रखना नहीं पड़ता, आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि ये धर्म है या अधर्म है, या किसी पंडित को जाकर पूछना नहीं पड़ता भाई ये धर्म है कि नहीं, आप जानते धर्म क्या है। दूसरे कालाती इतने आसानी से ये लोग हो जाते, मेरा आश्चर्य लगता है कि जो हाथ हर समय हाथ में घड़ी बांधे रहते हैं वो कालातीत हो जाते, लेकिन हम लोग नहीं हो पाते। अभी कितना बज रहा है, हाँ तो ये चाय पिए तो सब चाय मिलनी चाहिए, चाहे कुछ हो नहीं मिलेगी तो सिर्फ कवल हो जाए। औरतों का भी यही हाल है और सबका यही हाल है कि इस समय से ये काम होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो हमारे शरीर को इतनी आदतें लग गई हैं कि वो उसी वक्त होना चाहिए, वही समय में होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो हम कर। खासकर आदमी लोग तो घड़ी की गुलामी हो गए हिंदुस्तान में, घड़ी की गुलामी करते करते अब यह हालत हो गई है कि वो अपने रहने, तो मनुष्य काल से परे चले, काल उससे चल चुका है, जिस वक्त वो जहां खड़ा हो जाए वही काल। ये दशा आप सबकी इसको होने वाली है आ जाए, लेकिन ऐसी ऐसी हमारे अंदर संस्कारों से भरी हुई चीज। एक छोटी सी बात है, सिनेमा वालों ने एक संतोषी माता चला दी, इसके बड़े अनुभव आते हैं, खासकर आपके दिल्ली शहर में तो औरतें बड़ी संतोषी माता को पूछती हैं और वो पार नहीं होती, क्योंकि संतोषी करके कोई माता ही नहीं है। अरे जो स्वयं संतोष है वो संतोषी कैसे होगी, अब सिनेमा वालों ने चला दी तो हो गई संतोषी माँ। अज्ञान की भी हमारे यहाँ कभी परिसीमा हो जाती कि ये सिनेमा वाले क्या देवी बना सकते हैं क्या। ये चीज इसी प्रकार अनेक तरह की अजीब अजीब चीज है, इसका उपास करो, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उस दिन उपास करें, जिस दिन जन्म होता है तो आप क्या सुतक कर रहे हैं क्या, उसी तरह उपास करने का
भगवान के नाम पे तो उपवास करना ही नहीं चाहिए। वो क्या चाहते हैं आप उपवास करें, अब किसी से उपवास करें जरूरत है? अरे माँ मैं इतने साल से उपवास कर रही हूँ, काहे को करे भाई? अगर किसी को नाराज करना खास कर माँ को उपवास करो। इस प्रकार अनेक तरह की चीजें हमारे अंदर भरी है, वो चाहे आप किसी भी धर्म के हो जाए। अब ये धर्म का उपकार क्या उपकार कहूँ मैं जिसके कारण लोग पारे हैं। तरह तरह की अजीब सजीब बातें हमारे अंदर घुस रही। जब हम इस हालत में हैं अभी, उसी वक्त विदेश से अब उनका भी मारा आ रहा है। वो भी अपने कपड़े शपड़े लेकर के पहुंच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहां बिकते नहीं है, वहां रिसेशन आ गया और मेजर साहब आए थे बेचने के लिए कि तुम बेवकूफ हिंदुस्तानी तुम लोग खरीदो, अब उनके कपड़े पहनो, उनके जैसे हो जाओ, फिर जाओ डिस्को में, वहां शराब पियो, ये करो वो करो, वाह वाह वाह, बहुत हम लोग मॉडर्न हो गए। सो इधर से ना निकले तो उधर चले। अगर माँ बाप ये सब धंधे करते हैं तो बच्चे डिस्को में जाते, और दूसरों से कोई चीज ले, फॉरेन की चीज देने में हम लोग सोचते हैं बड़ी बात। मैं फॉरेन में बहुत साल रही हूँ और घूमी हूँ, मुझे तो वहां सिवाय कागज के सिवाय और तो कोई चीज दिखाई नहीं दी जो अपने से अच्छी बनाती। अच्छी बात, वहां से लेने क्या चीज है? नायलॉन लेंगे, कागज लेंगे आप, वहां से कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है? ठीक है एक रेडियो ले लिया, सुन लो टेलीविजन एक बार ले लिया, फिर उसके बाद फॉरेन की चीज उसके को इतनी अच्छी क्यों लगती है? मेरे आज तक समझ में आया। एक दिन ऐसी बात थी, हमारे पति के एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि कोई अच्छा सा प्रेजेंट लिया बहुत बढ़िया, तो मैं खादी भंडार में गई, वहां खाकी दास का एक बड़ा सुंदर हितोपदेश श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ सहित बना हुआ वो मैंने खरीद लिया। खरीदने के बाद मैंने सोचा उस पर लपेटे क्या, तो वहां पर जदीब सजीब कुत्ते की चीजें थी, उनका भाई इसका ये डब्बा है, मैं कभी ये डब्बा तो चलेगा नहीं, तो जरा अंग्रेजी वाले साहब हैं, तो मैं भटकी बहुत भटकी कि अच्छा कागज मिला तो कोई कागज अच्छा मिला है, मैं तब क्या करूँ, जैसा भी मिला वो कागज लपेट करके मैंने कागज देख के साफ चौके हमारे साहब भी चौके किए क्या कागज, मैंने कहा देखो कागज तुम खोल के ये हिंदुस्तान है अच्छा कागज नहीं बन। जैसे ही खोला उनकी आंखें निकल आए, मैंने कहा ये मेरा भारतवर्ष है, यहाँ एक से एक बढ़िया चीज है, लेकिन ये फालतू की चीज हम लोग बनाते नहीं। अब वो तो छोड़िए, अब उनकी संस्कृति हम ले लें। इनकी संस्कृति क्या? सत्यानाश हो रहा है उनका, यदि समझ लीजिए उनका सत्यानाश हो रहा है, उनकी कोई फैमिली सिस्टम नहीं रहेगी। हम भी उनसे सीख रहे हैं, उनके सिनेमा देखेंगे नहीं, अभी भी झगड़ेंगे और कुछ। आश्चर्य की बात है कि इंग्लिश भाषा में कोई सा भी कोई सी भी ऐसी नॉवेल नहीं है, कादंबरी नहीं है कि जिसमें पति पत्नी का प्रेम दिखाए, वो शादी से पहले ही दिखाते हैं, उसके बाद कैसे कुछ एक भी किताब में, क्या आप विश्वास करते हैं इस इंग्लिश भाषा पर जो कि हमारी कुटुंब व्यवस्था को ही ठोस, उसी को ठिकाने लगा है। ऐसे संस्कृति के आप मुरीद हैं, दूसरे ये के और भी संस्कृतियां हमारे अंदर गलत सलत आ गई, जिससे मर्द लोग बहुत जाती करते हैं औरतों के। अब औरतें अमेरिकन गर्म हो जाए तो आदमियों का भी ठिकाना हो जाए, सब तंगे नजर आएंगे। तो इसकी तरफ भी हमारे रुझान क्यों है? मेरे समझ तो हमारे देश की संस्कृति है
बहुत ऊंची संस्था, उसको आप हिंदू कहिए कुछ कहिए, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो सब में किसी भी धर्म का आदमी होगा यहाँ उस संस्कृति को मानता है, उसका भी हमारे ऊपर एक आघात चला है। अजीब सजीब कपड़े, अभी मैं रस्ते में देख रही थी लड़कियां अजीब सजीब कपड़े पहने घूम रही, आदमी जैसे कपड़े औरतों ने पहने औरतों जैसे कपड़े आदमी ने पहने, समझ नहीं आ रहा था आदमी कौन है औरत कौन। और माँ बाप कुछ बना नहीं सकते, कुछ कहते नहीं, कुछ उनकी ओर ध्यान ही नहीं। इस तरह के लोग सच में नहीं, आपको आश्चर्य होगा सबसे कम सर ये लोग अमेरिका के हैं सबसे, उसकी वजह ऊट पटांग लोग हैं, उनके अंदर संस्कृति कहां से आए। अभी अभी तो वो बेचारे 200 वर्ष पूर्व एक देश बना, लेकिन हम तो अनादि हैं, हमारे यहां क्या नहीं हुआ, सहज भी चीज हमारे ही भारतवर्ष, इसी देश में इसी भारतवर्ष में सहजों हजारों वर्षों से लोग करते आए, पर कितना ही था कि पहले एक गुरु को एक ही शिष्य होता, करते 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 12वीं शताब्दी में फैलने लग गया, और 16वीं शताब्दी में आप जानते ही हैं सबने इसकी बात सहज समाधि का नाना साहब ने कहा, कभी ने कहा पीरा पिंगला सुख मन नारी, कोई जानता भी नहीं इसका मतलब, कैसे कैसे लोग हो गए 16वीं शताब्दी में, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे वो साउथ में हो चाहे पंजाब में हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश, वो सब अवलिया लोग साधु लोग ये सब क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, इतने ज्यादा तो किसी भी देश के नहीं हुए, लेकिन हम लोगों पर उनका असर। और उससे एक और अजीब बात अब चल पड़ी है कि कुछ लोग जो अपने को बहुत विद्वान और इंटेलेक्चुअल समझते हैं वो एक चौखट बना के उसी में सबको घुमाना चाहते हैं। इस देश में तो अनंत की बात कही गई है, उसको समझने के लिए ये बुद्धि बिल्कुल अयोग्य है, नालायक, समझ नहीं सकते। जो अनंत की बातें हमारे यहाँ कही हैं उसमें तो आपको उतरना पड़ता है सूक्ष्म में आत्मा स्वरूप में। ऐसे महान देश में आपने जन्म लिया और आपके इस महान देश की और सारे संसार की दृष्टि है और सब सोच रहे हैं कि न जाने यहाँ पर कैसे कैसे आध्यात्मिक गुण लोगों में होंगे, इसी उम्मीद में यहाँ और सोचते हैं कि बड़े आध्यात्मिक लोग सब दूर। मैं सुनती हूँ यही बात, हिंदुस्तान को इस चीज में और गर्व होना चाहिए तो वो हमारा अध्यात्म। सारे दुनिया में पेड़ जैसे बढ़ गई है उनकी संस्कृति उनका सिविलाइजेशन, लेकिन हमारा ज्ञान जो है वो मूल का है, इस मूल को जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तो ये पेड़ सारे गिरता है और गिर ही रहे हैं नष्ट हो रहे हैं, और ये मूल अपने भारतवर्ष में। आपको अंग्रेज होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें क्या है लोग पास है क्या,
हमारे पास इतनी मान शक्ति है, ज्ञान है, आप उसमें अपने करें और आप समझिए कि इस देश में आपका जन्म हुआ है वो कोई कभी विशेष चीज, और आप कोई विशेष हैं, उस विशेषता को समझो और अपनी इज्जत करें, अपनी और नजर करें, इसे प्राप्त करें और ये सहज में आप प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिनी के लिए आप किताबें ले सकते हैं, लोगों से पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत सामान तैयार कर लिया हमने, लेकिन कबीरदास जी ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित तब रख भाई, और मुझे बहुत ऐसे लोग मिल गए, इसलिए पढ़ने से पहले आप अनुभव, जिस चीज में अनुभव नहीं है उसे पढ़ना है, अनुभव ही बातचीत बातचीत ही रह जाती है। शंकराचार्य ने इसे शब्द जालम कहा है कि इस शब्द जाल से मुझे निकालो, इस शब्द के जाल में मत फंसो, और यही बात आज मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप जो है वो अपनी गौरव गाथा मुझसे न सुनिए सिर्फ, लेकिन इसे आप देखिए और जानिए और समझिए, मेरे लिए इससे बढ़ के और कोई सुख की चीज नहीं। आप देखती हूँ मेरे हजारों बच्चे हैं, इतने बढ़िया मेरे बेटे हैं बेटियां हैं, एक माँ के लिए यही है कि हमारे पास जो कुछ भी है सब आप लोग, सारी शक्तियां आप पर प्रस्फुटित हो, आपसे बने और दुनिया देखे, इससे ज्यादा और एक माँ क्या चाहते। आशा है आप लोग मेरी बात को समझेंगे और आज ही सब लोग पार हो जाए। होने के बाद हम देखते हैं कि बस फिर मस्ती में आ गए, बस अपने को सोचते हैं हम पार हो गए, हम सहयोगी हो गए, लेकिन मैं ये कहती हूं कि सिर्फ पार होने से ही आप सहयोगी नहीं होते। हम लोग 17-18 साल की उम्र में गांधी जी ने जब ललकारा तो हम सब लोगों ने सब कुछ त्याग करके स्कूल कॉलेज छोड़ कर और गांधी जी के संग्राम में बहुत मेहनत की, पुलिस से मारा पीटा, बर्फ पे लिटाया, बिजली के शॉक्स दिए, सब कुछ किया, पर उस वक्त स्वतंत्रता के लिए सब लड़े और ये कार्य। अब वो स्वतंत्रता का जो हाल हुआ वो तो आप देख ही रहे। बहरहाल अब आपको स्व का तंत्र जानना है, स्व माने आत्मा और उसका तंत्र जानना है, और ये नया आंदोलन स्वतंत्रता का चला, इसमें सिर्फ आप ये कहें कि माँ हम पार हो गए और हम अपने घर में बैठ करके सहयोग करते हैं सुख चलाना, आपको सामूहिकता में आना पड़े, आपको इसमें पूरी तरह से शरीक होना पड़ेगा, इसमें भाग लेना पड़ेगा, कमिटमेंट होनी पड़ेगी। जिन लोगों ने ऐसा किया वो आज कहां से कहां पहुंच गए, ये आज की मांग है। उस वक्त स्वतंत्रता में जो लड़े थे, जिन्होंने इतने बलिदान किए थे, हो सकता है कि उसमें बहुत कम लोगों ने शायद कार्य किया हो और वो अपने को बहुत स्वतंत्र समझने लग गए, लेकिन सहयोग में जब तक आप स्व का तंत्र पूरी तरह से जान नहीं लेंगे, जब तक आप अपने को इसमें पूरी तरह से कमिट नहीं करेंगे, तब तक आपका पूरी तरह से उत्थान नहीं है। उसके लिए आपको बीवी बच्चे छोड़ने नहीं है, घरवार छोड़ना नहीं है, पैसा देना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा समय जरूर आपको देना, और वो थोड़ा सा समय देने से ही आप इसे प्राप्त हो पाए। आज मैंने आपसे कुंडलिनी के बारे में थोड़ा सा ही बताया, आप इस पर पढ़ लीजिएगा और पहले पार हो जाए, पार होना जरूरी है। जैसे कि
इतने यहाँ प्रकाश हो रहा है, इतने दीप आप देख रहे हैं, एक स्विच जलाते ही है प्रकाशित हो जाते। लेकिन आप करते हैं कि माँ पहले ये बताओ कि बिजली कहाँ से आई और यहाँ दिल्ली में कहाँ से आई और यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कैसे आई, तो आपको भी सर दर्द होगा और मुझे भी। इससे अच्छा ये है कि प्रकाश पहले ले लीजिए, बाकी की बात होती रहे। पर इसके लिए सिर्फ शुद्ध इच्छा मन में चाहिए, शुद्ध इच्छा की ही शक्ति कुंडलिनी, बाकी सारी इच्छाएं जो है तृप्त होने पर भी तृप्ति नहीं आती। इसलिए एक ही मन में इच्छा होनी चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त। पर ये इच्छा आपके अंदर है तो आज आप सबके सब पार हो जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप इस तरह से मेरी ओर सब लोग आ गए, प्लीज पुट योर हैंड्स टुवर्ड्स मी लाइक दिस। आंखें खुली रखें, यहां कोई मेस्मरिज्म नहीं है, लेकिन आप आंखें खुली रखें तो अच्छा रहे। अब एक चीज देखिए कि आपके हाथ में कुछ ठंडी ठंडी या गर्म ऐसी हवा आ रही है, आर यू फीलिंग एनी कूल ब्रीज इन योर ऑन योर फिंगर टिप्स प्लीज। यही चैतन्य है, यही परम चैतन्य, इसी को रितंबर आप प्रज्ञा कहा गया है, इसी को बाइबल में ऑल परमेटिंग पावर ऑफ गॉड्स लव कहा गया। अब आप हमारी और राइट हैंड करके और लेफ्ट हैंड से अपने सर के ऊपर देखें, ऊपर अदर ऊपर को है कि ठंडी हवा आ रही है। राइट हैंड हमारी और करें, राइट हैंड, मैं इसलिए राइट कह रही हूँ इससे भी कंफ्यूजन हो जाता है, राइट हैंड मेरे और करें और लेफ्ट हैंड को सर पे ऐसे देखें, लेफ्ट हैंड से सर में से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, थोड़ी किसी किसी गर्म भी आ सकती है और थोड़ी देर में सबकी ठंडी होता है, और गर्म आ रही है तो सबको माफ कर दूंगी बस। अच्छा अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर, प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी नाउ और अपने राइट हैंड को सर पे रख। अब देखिए ठंडी ठंडी हवा आ रही है, आप अपने मन में पूछिए क्या ये परम चैतन्य, प्लीज आस्क इन योर हार्ट मदर इज दिस द ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव, पूछिए कि माँ क्या ये परम चैतन्य है। अब एक बार फिर राइट हैंड मेरे और करिए और लेफ्ट हैंड सब पे रख के पूछे आप पूछे लेंगे कि लोगों के हाथ पे ऐसे ठंडी या गर्म हवा आई हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें और those who affect cool breeze, their hands are out of their functional bone area, please raise both your hands. ये है दिल्ली, आप सबको मेरा हो गए, अब आप साधु हो गए, आप पार
आपको पता है परदेश में आधा आधा घंटा एक एक चक्र पे हाथ रखना पड़ता है और आप लोग ऐसे ही पार हो गए। आप समझ लीजिए आप क्या चीज है, ऐसे आसानी से कोई नहीं पार हो सकता। कभी कभी तो तीन तीन दिन तक लगे रहना पड़ता है इन लोगों का। ये कमाल के हैं आप लोग। लेकिन आगे की चीज जो है वो मुश्किल होती है कि अब इसके बाद आपको सेंटर में जाना जरूरी है। कल सवेरे से इन लोगों ने 5 दिन के लिए प्रोग्राम बड़ा अच्छा बनाया है, सवेरे और शाम को। सवेरे जो है उसे अलग अलग विषयों पर ही बोलेंगे और आपको समझाएंगे कि आपने क्या प्राप्त किया, और शाम को संगीत का प्रोग्राम। आशा है आप लोग सब इससे भी ज्यादा तादाद में आए, आपके रिश्तेदार भाई बहन दोस्त सबको सूचित करें कि इसको बहुत महत्वपूर्ण समझे। ये अगर मिस हो गया तो बहुत से लोग को देवता स्वरूप हो जाएंगे और बाकी मनुष्य ही रह जाएंगे, और मनुष्य रह के भी पता नहीं उनका क्या हाल है। इस तरह की हवा चल रही है सब दूर। इससे ज्यादा और आप अपने रिश्तेदारों के लिए और किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो कृपया हो सके कल सवेरे कितने बजे पता नहीं मुझे, आप बता रहे हैं परसों सवे। भाइयों और बहनों को सूचित किया जाता है कि परसों सुबह 9:30 बजे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स भारतीय ग्राम है, ये निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर रोजाना पर 22 तारीख से 25 तारीख तक रोज हम सहयोग के बारे में आपको बतलाएंगे। अगर किसी के कोई चक्र नहीं साफ है उनको साफ करना भी बतलाएंगे, किस प्रकार से आपको ध्यान करना है वो भी बतलाएंगे, अगर किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसके बारे में भी हम आपको बतलाएंगे। सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक और शाम को 6 बजे से संगीत का कार्यक्रम चलेगा। आप सभी लोग आमंत्रित हैं निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के सामने भारतीय ग्राम में। और इस 5 दिन के बाद आप लोग सब सहयोगी हो जाएंगे पक्के, मुरब्बी एक्सपर्ट। इसलिए 5 दिन मैंने कहा दिल्ली वालों के लिए रखिए, क्योंकि तो लगना पड़ेगा थोड़ा। हो सकता है कि आप लोग घर जाते जाते कुछ बहाना खोज लें, लेकिन अपने मन को समझाइए कि अब एक बड़ा अच्छा मौका आया है। आपको कुछ पैसा वैसा देना नहीं है, सिर्फ ये है कि थोड़ा समय अपने लिए और अपने आत्म साक्षात्कार के लिए दीजिए। आशा है आप लोग जरूर सब लोग पधारेंगे और इस चीज को पूरी तरह से आत्मसात करके इस संसार का उद्धार करने वाले एक आप हो। अभी शांति को बनाए रखिए, इसमें कोई वाद विवाद नहीं हो सकता, ये बुद्धि से परे आप है शांत है। और कोई आपसे वाद विवाद कह करे नमस्कार वाद विवाद रह दीजिए, उनको पार्लियामेंट में भेज दीजिए।